मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालना के भारतीय शिल्प संस्थान में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत की। गहलोत ने यहां लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। समारोह में सीएम गहलोत ने कहा कि यहां आकर अच्छा लगता है। गहलोत ने साथ ही कहा कि यहां 100% प्लेसमेंट है। इस मौके पर सीएम ने साथ ही कहा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी ने विकसित भारत का सपना देखा था। आज हम जिस तकनीक के सिरमौर बने हैं, इसके लिए आईटी क्रांति को लेकर ही राजीव गांधी ही आए थे। 20 साल पहले ही शिल्प संस्थान का काम शुरू हुआ था और तब से संस्थान ने खास पहचान बनाई है और आज ऐसे ही संस्थानों की और जरूरत है। सीएम अशोक गहलोत ने साथ ही कहा कि आज के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने संस्थान को आश्वासन दिया कि जल्द ही डिप्लोमा की जगह स्टूडेंट्स को डिग्रियां भी दी जाएंगी। इस दौरान उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, सीएसडीबी गुप्ता और अति मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल और संस्थान के स्टूडेंट्स और साथी शिक्षक भी मौजूद रहे। कि आने वाले वर्ष के अंदर हम कैसे इस संस्था का विस्तार करें, तो सरकार कभी भी आपके लिए आपके हाथ खड़ी मिलेगी, ये आप निश्चित मांगे चले। ये आपकी सफलता का लाभ यही है कि आगे मैं समझता हूँ कि एडमिशन जो है वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहे हैं। अगर ये काम हो जाए तो आधा काम उनका भी हो जाता है संस्था की उन्नति। यहाँ पर धरती विजय जाजी बैठी हुई है, करीब 25 साल पहले मैं केंद्र सरकार में कैशियर मिनिस्टर था। जब मैं कैशियर मिनिस्टर था, लिफ्ट की चेयरपर्सन धरती विजय जाजी 25 साल पहले। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, उस वक्त मैं केंद्रीय मंत्री था तो कई लोग सवाल करते थे एडमिशन के बारे में कि आप लिफ्ट के अंदर एक एडमिशन दिला दीजिए। और मुझे इनके इनका जो निर्णय होते थे, इनका जो अप्रोच थी, जिसके कारण मुझे आसानी हो गई मना करने का। मैंने कहा जति मैंने जारी जो है, मैंने सुना है कि उनकी डॉक्टर भी एडमिशन मांग रही है, बिना मेड के वहाँ एक एडमिशन होता नहीं है। यदि आप समझ सकते हो, जब संस्था के डायरेक्टर भी अपनी खुद की लड़की का एडमिशन नहीं करवा पा रही है, नहीं कर रही है जानबूझ करके, कर सकती थी रास्ता निकाल करके,